अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ का जो आखिरी वीडियो वो है वो देखने जा रहे हैं। क्लास 5 के मैथ की चैप्टर 1 की आखिरी जो है टॉपिक वो है डिमास रूल। डिमास रूल क्या कहता है, ये डिमास का मतलब क्या है पहले तो ये समझें। DMAS, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिमास रूल हमें ये बताता है कि अगर किसी सवाल के अंदर चार अलामतें पाई जाती हों, डिवीजन की भी पाई जाती हो, मल्टीप्लीकेशन की भी पाई जाती हो, एडिशन की भी पाई जाती हो और सब्ट्रैक्शन की भी पाई जाती हो, तो जो दो रकमों को हल करना है उसकी तरतीब कौन सी होगी। याद रखें, डिमास रूल हमें ये कहता है कि जब किसी भी रकम के अंदर ये चारों अलामतें पाई जाए या इनमें से कोई भी दो तीन पाई जाए तो उनको रकम को हल करने की जो तरतीब होगी वो ये होगी कि सबसे पहले अगर एडिशन पाई डिवीजन पाई जाती है तो जिन दो आदाद के दरमियान ये वाला साइन पाया जाएगा सबसे पहले उसको हल करेंगे और बाकी को वैसे का वैसे उतार लेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो तरीकाकार है इसको हम डिमास रूल कहते हैं। हम एक और सवाल भी देखते हैं। आप ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 21 के ऊपर। इसके अंदर ये चारों आए हुए हैं, मैं लिखता हूं। आप ये देखिए कि ये एक रकम लिखी है जिसके अंदर एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। इसको हल करने का तरीका ये है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं 18 में 4 से मैंने जमा कर दूं तो 22 आ जाएगा, फिर उस 22 को 6 से ज़रब दे दूं। अगर मैं इस तरतीब से दूं तो वो सवाल जो है वो जो आए जो आप उसको 2 पे तकसीम कर दूं, जो उसमें से जवाब आए 9 में, तो ये गलत होगा। हमें यह बताया जाता है कि देखिए इन दो अदाब के दरमियान डिवीजन की अलामत है, पहले उनको हल करना है, बाकी रकम को वैसे का वैसे उतारना है। ये दोनों को हम हल नहीं कर रहे, इनको वैसे उतारें। ये 6 और 2 के दरमियान तकसीम है, इसका मतलब 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये दोनों हल हो गए। अब ये कंफ्यूज, अब देखें डिवीजन की आपकी साइन खत्म हो गया। अब हमने कौन सा करना है, डिवीजन के बाद डिमास रूल कहता है मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन है, इनको हल करते हैं। ये वैसे का वैसे लिखेंगे, 4 को 3 से 12 आ जाएगा, -9। उसके बाद हमने एडिशन करनी है, वो ये देखें एडिशन करेंगे, 18 और 12 30 हो जाएगा, -9। अब एंड पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, 30 में से 9 गया तो बाकी 21 रह गया। ठीक है जी, तो ये जो सवाल हमने हल किया, डिमास रूल हमें ये कहता है कि जमा तफरीक जरा तकसीम कैसे करना है। तो उम्मीद है कि ये बड़े आसान सवाल हैं। जो एक्सरसाइज आपकी 1D है, पेज नंबर 20 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने हल करना है, और इसके साथ ही आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के सिलसिले में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप स्कूल टाइम में फोन करके या आप स्कूल तशरीफ लाके तो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।